NTAUGCNET, UNINIMAGINET. Download it on Google Play Store. सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास नेमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के प्रकार के बारे में हम बात करने वाले हैं। संचार के काफी तरह के प्रकार है दोस्तों, इनमें से बहुत से क्वेश्चन आज तक आए हैं और आगे भी आने की संभावना है। और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बहुत आसान है दोस्तों, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो आप दोस्तों पूरा देखना और ध्यान से देखना क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चन आने की संभावना है। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं संचार के प्रकार के बारे में यानी कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो काफ़ी तरह का हो सकता है, यानी कि हम दो व्यक्ति भी आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं और 1000 लोग एक सभा में बैठ के भी बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत से टाइप हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जो संख्या है, लोगों की संख्या के आधार पर कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है दोस्तों इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इसे व्यक्तिगत संचार भी कहते हैं, अंत व्यक्तिगत संचार कहते हैं। अगला है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ग्रुप कम्युनिकेशन, उसके बाद में मास कम्युनिकेशन, ये संख्या के आधार पर है। अब देखिए सबसे पहला है हमारा अंत व्यक्तिगत संचार यानी कि इंट्रा पर्सनल, ये चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों। यहाँ पर इंट्रा पर्सनल दिया है, ना कि इंटरपर्सनल नहीं, इंट्रा TRA दिया है, ठीक है, इंट्रा पर्सनल। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जब व्यक्ति खुद से ही संचार करे, यानी कि जब हम सोचते हैं या फिर किसी ख्याल में चले जाते हैं तो अपने आप से बातें करना क्या कहलाता है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। यहाँ पे आप हिंदी में भी ये पढ़ सकते हैं, इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। यानी कि जब व्यक्ति खुद से संचार करता है, यानी कि जब हम सपने वगैरह लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप इसकी विशेषताएं भी पढ़ सकते हैं। और आगे आते हैं दोस्तों हमारे पास अंतर व्यक्तिगत संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इसके अंदर दो या दो से अधिक लोग हो सकते हैं, दो तीन लोग हो सकते हैं जिसके अंदर हम बातचीत करें। इसमें यानी कि हम खुद नहीं होते, अगला व्यक्ति हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन व्यक्ति हो सकते हैं। जब दो लोग आपस में भावना विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे अंतर व्यक्तिगत संचार कहते हैं। यह आमने सामने होता है, यह दो तरफा टू वे कम्युनिकेशन होता है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। यह कभी भी संकेत, स्वर, भाव, शब्द इत्यादि के द्वारा किया जाता है। और इसमें भी आप काफ़ी तरह की बातें वो आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है आप पढ़ना। और वैसे भी आपको शायद समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें फीडबैक तुरंत मिलता है। जब हम दो लोग बातचीत करते हैं आमने सामने तो बहुत जल्दी जो है फीडबैक आ जाता है, बाधा आने की संभावना बहुत कम रहती है। इसके अंदर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो हम अगले से पूछ सकते हैं भाई क्या बात है, कैसे है और किस तरह से, वो सारी चीज़ें हम पूछ सकते हैं। तो इसमें काफ़ी तरह की इनकी विशेषता दी हुई, आप सभी पढ़ लेना, क्योंकि दोस्तों मैं अगर सभी चीज़ें आपको पढ़ के बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो इसे हम थोड़ा स्किप करके चल रहे हैं। आगे दोस्तों हमारे पास समूह संचार यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे 5 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, तो यानी कि एक ग्रुप में मिलकर जब हम बात करें तो उससे हम क्या कहते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि ग्रुप के अंदर 500 लोग नहीं हो सकते, ग्रुप के अंदर कितने होंगे, 5 होंगे, 10 लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोग होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है ये बात। और आगे देखते हैं कि समूह संचार की
विशेषताएं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए सभी अपनी इच्छा व सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करते हैं। अब जिसको जितनी बोलने की इच्छा वो उतना बोल सकता है, कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। सदस्यों के बीच समान रूप से विचार भावनाओं का आदान प्रदान होता है। संचारक और प्रापक के बीच निकटता होती है, यानी कि एक पास एक साथ बैठे हुए होते हैं, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और विचार विमर्श के समाधान से समस्याओं का समाधान किया जाता है। अब देखिए 10 लोग बैठे हैं, कोई समस्या है तो कोई कोई विचार देगा, कोई कोई राय देगा, तो हमारी जो समस्या है उस पर जल्द से जल्द समाधान होने की संभावना बनी रहती है। और आगे दोस्तों हमारे पास जन संचार यानी कि मास कम्युनिकेशन। अब देखिए मास कम्युनिकेशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जन प्लस में संचार। जन का अर्थ होता है भीड़, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों के क्राउड जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जन कहते हैं, भीड़ कहते हैं। समूह संचार का वृहत रूप है जन संचार। अब देखिए जो समूह संचार होता है उसका जो बड़ा लेवल होता है उसे हम कहते हैं जन संचार कहते हैं, यानी कि मास कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखिए मास कम्युनिकेशन जैसे कि टीवी पे कोई सीरियल चल रहा है, उस सीरियल को हजारों लोग एक साथ देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया। कोई रैली है, रैली के अंदर हजारों लोग बैठ के किसी नेता की बात सुन रहे, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा जन मास कम्युनिकेशन हो गया, जन संचार हो गया, ठीक है। और अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो जनता जो होती है हमारी, वो बिखरी हुई जनता होती है, वो अलग अलग जगह हो सकती है। अब वही बात आ गई ना, जैसे कि टीवी पे हम इंटरव्यू देख रहे हैं, कोई कहीं पे बैठा है, कोई कहीं पे बैठा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ बैठे हुए सभी के सभी लोग। और जैसे कि वो हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर सभी लोग 10-15 लोग इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन मास कम्युनिकेशन के अंदर इकट्ठे नहीं बैठते। अब यहाँ पे जन संचार की कुछ विशेषताएं भी हम देख लेते हैं। विशाल भूभाग में रहने वाले प्रापक के साथ एक साथ संपर्क स्थापित होता है। अब देखिए हम एक साथ हजारों लोगों के साथ इसमें बात कर सकते हैं, ये इसकी एक अच्छी बात है। समस्त प्रापकों के लिए संदेश समान रूप से खुला रहता है, यानी कि जो हम एक व्यक्ति को संदेश दे रहे हैं वही संदेश हजारों लोगों के साथ हम एक साथ पहुंचा सकते हैं। संदेश माध्यम के मदद से संदेश का संप्रेषण किया जाता है। अब देखिए इसमें कोई हमारे पास मीडियम होता है, जैसे कि रेडियो हो सकता है, टीवी हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसके द्वारा हम हजारों लोगों तक हमारी पहुँच पहुँचा सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास क्या है, इसमें और भी काफ़ी तरह की बातें वो आप पढ़ सकते हैं। आगे है हमारे पास दोस्तों चैनल के आधार पर। अब देखिए मीडियम जो है उसके आधार पर किस तरह का संचार हो सकता है उसके टाइप की बात करते हैं। एक होता है शाब्दिक, एक होता है अशाब्दिक। ये जो टाइप है दोस्तों ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये करने, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए सबसे पहला आता है हमारे पास शाब्दिक संचार आता है। अब देखिए शाब्दिक संचार के अंदर क्या होता है, जैसा कि हमें शब्द से ही पता चल रहा है कि जिसके अंदर शब्दों का यूज किया गया हो, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, शब्दों का यूज करके कोई हम कम्युनिकेशन करते तो उसे हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि शाब्दिक संचार कहते हैं। अब देखिए शाब्दिक संचार की प्रक्रिया काफ़ी जटिल हो सकती है दोस्तों। अब देखिए कोई बच्चा है, उसको कोई बात बतानी है अपने मम्मी पापा को, अब एक साल का बच्चा, उसको कोई बात बतानी है, अगर उसे शब्द नहीं आते, बोलना नहीं आता, तो उसे उसके लिए बहुत मुश्किल है वो चीज़। और इसी तरीके से अगर हम किसी दूसरी कंट्री में चले जाएं, वहाँ की हमें भाषा नहीं आती, तो हमारे लिए वर्बल कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसे थोड़ा जटिल कहा गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि इनमें से पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जटिल कम्युनिकेशन है, वर्बल या नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल के अंदर हम किसी को इशारा करके समझा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखते हैं दोस्तों कि शाब्दिक संचार के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से आते हैं। अब देखिए शाब्दिक संचार जब हम शब्दों का यूज कर रहे हैं, एक होता है मौखिक संचार। मौखिक संचार यानी कि बोल के, जैसे मैं आपको अब बोल के बात कर रहा हूँ, और जैसे कि 5 साल का बच्चा हम लगाते हैं, वो बोल सकता है कि पापा मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, और कविता भी सुना सकता है, लेकिन क्या है कि वो लिख नहीं सकता, वो बोल सकता है, बोलने को वो पता नहीं क्या क्या बोलते, लेकिन लिख नहीं सकता। तो इस तरीके से जो मौखिक यानी कि बोल के जो संचार करते हैं शब्दों के द्वारा, उसे हम कहते हैं मौखिक संचार कहते हैं। और इसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हमें शिक्षा आना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने जैसे बड़े बुजुर्ग देखे हैं, वो लोग शिक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी वो शब्दों का यूज़ करके बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर लेते हैं। अब देखिए एक मिनट रुकिए, इसके अंदर क्या है और चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि
संचार की इस प्रक्रिया द्वारा संचारक एवं प्रापक के मध्य संवाद स्थापित होता है और इसे क्या कहा गया है दोस्तों, मौखिक शब्दों द्वारा पारस्परिक से संचार संदेश वाहन की सर्वश्रेष्ठ कला है। अब ये देखिए, जो बोल के संचार किया जाता है इससे बहुत अच्छा संचार स्थापित कर सकते हैं हम। अब देखिए, किसी के बोलने का लहजा बहुत अच्छा है और हम उसके बोलने के द्वारा ही काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, मौखिक संचार के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या मीडियम हो सकते हैं। अब देखिए, वार्तालाप यानी कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, प्रदर्शन हो गया, भाषण हो गया, वाद विवाद हो गया, तो ये सभी चीज़ें क्या है दोस्तों, ये हमारे मौखिक संचार के साधन हम कह सकते हैं मुख्य रूप से। और आगे जैसे विचार गोष्ठी हो गया, पैनल वार्ता हो गया, सम्मेलन हो गया, इन सभी में हम शब्दों का यूज करके लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अब देखिए, मौखिक संचार की विशेषताएँ क्या क्या है, कम समय में अधिक लोगों के साथ संवाद संभव। अब देखिए, हम एक जगह पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे बोल के हज़ारों लोगों को कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि बोल के। अब देखिए, बोलने से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। अब कोई हम इशारा करें, हो सकता है वो इशारा किसी को समझ में ना आए, तो इससे क्या होता है कि बोलने से बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है, त्रुटियां होने की कम संभावना। अब जब हम बोलते हैं तो उसमें गलतियां होने की बहुत कम संभावना होती है, समय की बचत। अब हम बोल के बहुत कम समय में बहुत अच्छी बात बता सकते हैं, तो यहाँ पे आप काफ़ी तरह की बातें हैं वो चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। और प्रापक से फीडबैक मिलने की पूरी संभावना। अब देखिए, बोल बोल के हम अगले को कह सकते हैं, भाई हाँ जी बताइए क्या रहा क्या है, तो अगले से हम फीडबैक ले सकते हैं बोल के। और अगला है दोस्तों, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही हमारा लिखित संचार। अब देखिए, शब्दों की बात चल रही है यहाँ पे, शब्द बोल के भी हो सकते हैं और लिखित भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये देखिए, मौखिक संचार में, ये तो जैसे हमने पहले मौखिक की बात की, अब हम बात कर रहे हैं लिखित संचार। अब देखिए, मौखिक संचार से संदेश संप्रेषण की संभव समाप्त होने की स्थिति में, सॉरी दोस्तों ये पता नहीं कैसे क्या हो गया, मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ क्या होता है। लिखित संचार के अंदर क्या होता है कि हम जैसे कि कोई लेटर लिख के किसी को बात बताते हैं, कोई नोट्स लिख के बताते हैं, किसी को मैसेज टाइप करके या ईमेल टाइप करके, यानी कि टाइपिंग करके लिखित में किसी दूसरे को संदेश देना क्या कहलाता है, लिखित संचार यानी कि रिटन कम्युनिकेशन वो कहलाता है, ठीक है। शायद मेरे को इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, आप समझ जाओगे। और लिखित संचार के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, सूचना पट यानी कि नोटिस बोर्ड हो सकता है, समाचार बुलेटिन हो सकते हैं, प्रिंट मीडिया हो सकती है, नियम पुस्तिका हो सकती है, कार्यालय आदेश हो सकते हैं, पत्र फॉर्म पुस्तकें, यानी कि काफ़ी तरह के माध्यम हो सकते हैं लिखित संचार के लिए, बुक्स वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। और अब देखिए, लिखित संचार की विशेषता ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, मौखिक संचार की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। अब ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, अगर हम किसी को ये कह दे भाई, जैसे बहुत सारी बातें चलती है ना कि मैंने उस दिन तेरे को ये बात कही थी, तू आज झूठ बोल रहा है, इस तरीके से हम यानी कि कोई बात कह देते, कहने से उसका प्रूफ नहीं होता, लेकिन जब हम किसी को लिखित में कोई चीज़ देते हैं तो वो प्रूफ ज़्यादा मान्य होता है। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, मौखिक संचार की तुलना में लिखित संचार जो होता है वो बहुत विश्वसनीय होता है। और आपने देखा होगा कि जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वो लिखित में होते हैं, रिटन होते हैं। रिटन क्यों होते हैं, ताकि उनका उनको एक आगे कोई एविडेंस के रूप में यूज किया जा सके, ठीक है, सबूत के रूप में, भविष्य में साक्ष्य और संदर्भों के रूप में प्रस्तुतिकरण संभव है। अब देखिए, लिखित संचार हम सालों तक रख सकते हैं, लेकिन अगर हमने किसी को कोई बात बता दी तो वो बात हम हज़ारों सालों तक नहीं रख सकते। हाँ, रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन अगर हम किसी को बोल दें तो वो बोली हुई बात तो हम हज़ारों सालों तक नहीं रख सकते, लेकिन लिखी हुई बात अगर हमने कोई पुस्तक रख दी तो वो हज़ारों सालों तक रख सकते हैं। संचारक और प्रापक की एक साथ मौजूदगी संभव यानी कि ज़रूरी नहीं है, यानी कि जिसे हम मैसेज भेज रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी टाइम होना ज़रूरी है। अब जैसे हम लेटर भेज रहे हैं, वो अगले के पास चाहे 10 दिन पहुँचे या 20 दिन बाद पहुँचे, कभी भी पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका ज़रूरी नहीं है कि जब हम भेज रहे हैं तभी वो हो। तो ये कुछ कुछ इसकी विशेषता है दोस्तों।
और आगे आते हैं दोस्तों हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि अब बात आती है अशाब्दिक संचार, यानी कि जिसमें शब्दों का यूज ना करे उसे हम कहते हैं अशाब्दिक संचार, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए संचार केवल शाब्दिक ही नहीं बल्कि अशाब्दिक भी होता है। अब वही बात आती है कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो ऐसी बात नहीं है कि केवल और केवल शब्दों के द्वारा किया जाता है, नहीं, वो हम हाव भाव आवाज़ के उतार चढ़ाव से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक छोटा सा बच्चा होता है तो वो रो के अपनी फीलिंग बता देता है कि मेरे को भूख लगी है या क्या लगा है या मेरे को चोट लगी है, तो उसके उसके बाद उसके पास शब्द नहीं होते, उसके बाद क्या होती है, उसके पास क्या होती है, फीलिंग होती है, हाव भाव होते हैं, ठीक है। अब देखिए आवाज़ का उतार चढ़ाव, शरीर की मुद्रा, यानी कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकते तो वो क्या करते हैं कि हाथों का इशारा करके अपनी बात समझाते, तो उसे हम क्या कहते हैं, अशाब्दिक संचार कहते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि संचार के विशेषज्ञ मेहराविया ने सन 1972 में अपने अध्ययन के दौरान पाया कि मानव 55% संचार अशाब्दिक, 38% शेष और 7% शब्दों में यूज करता है। यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं, वैसे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए अशाब्दिक संचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं। अब सबसे पहला आता है दोस्तों शारीरिक मुद्रा, यानी कि बॉडी लैंग्वेज। अब देखिए बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हम बहुत कुछ बात समझा सकते हैं। जैसे अभी मैं भी आपको बता रहा हूँ तो हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और आगे दोस्तों वेशभूषा। अब देखिए वेशभूषा यानी कि हमारे पहनने का लहजा जो है, जो हम वेशभूषा पहनते उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है कहाँ का रहने वाला है, उससे काफ़ी हद तक हम कह सकते कि उसका कम्युनिकेशन हो सकता है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों स्पर्श यानी कि टच के द्वारा। अब देखिए जो हमारा दोस्त होगा उससे हम कैसे बात करेंगे, कैसे मिलेंगे, और एक अजनबी होगा तो उसको हम किस तरीके से पकड़ेंगे, उसकी बाह को, उसके हाथ को, और जो हमारा दोस्त होगा उसको हम अलग तरीके से पकड़ेंगे। तो यानी कि टच के द्वारा भी हमें पता चलता है कि जो अगला दोस्त है वो हमारा मित्र है या अनजान है या क्या है, तो उससे क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन स्थापित होता है। और आगे दोस्तों हमारे पास निकटता यानी कि प्रॉक्सिमिटी, इससे सामने वाले व्यक्ति से हमारा संबंध प्रकट होता है। उपरोक्त के अलावा संपर्क, व्यक्ति का प्रभाव आदि भी अशाब्दिक संचार के अवयव है। अब देखिए वही बात आ रही है कि जो हमारा मित्र होगा, मित्र से हम बहुत अच्छे से मिलेंगे तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि ये दोनों काफ़ी एक दूसरे को जानते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन हो गया। प्रॉक्सिमिटी यानी कि निकटता, जिस व्यक्ति के हम ज़्यादा नज़दीक जाएंगे और ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे तो वो अपने आप में एक कम्युनिकेशन कर रहा है कि ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास काइनेसिस। अब ये देखिए इसमें से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं दोस्तों, 1 से 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ये आप ध्यान में रख लेना। यह गैर मौखिक या गैर शाब्दिक संचार का ही एक रूप माना जाता है। इसको संचार के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि इसको बॉडी लैंग्वेज के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर कई तरह की चीज़ें आती है। देखिए कि एक तो बॉडी लैंग्वेज आ गया, एक साइन लैंग्वेज आ गया, साइन यानी कि हम कोई इशारा करके बता रहे हैं, पैरा लैंग्वेज आ गया, स्पर्श यानी कि टच आ गया, आई कॉन्टैक्ट आ गया, सरल भाषा में यह शरीर की भाषा कहा जा सकता है। अब शरीर है हमारा, शरीर से हम काफ़ी तरह से एक्सप्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि गुस्से में होते हैं तो हम अलग तरीके से भाव बनाते हैं, और जब हम किसी को इशारा करना हो तो हम आंखों का उपयोग करते हैं। तो उन सभी चीज़ों को यानी कि जिसके अंदर बॉडी लैंग्वेज का यूज़ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, काइनेसिस लैंग्वेज कह सकते हैं। और आगे दोस्तों हमारे पास मेटा लैंग्वेज यानी कि मेटा संचार, मेटा कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, प्राय हम जो कहते हैं और जो अर्थ ग्रहिता तक पहुँचता है उसमें कुछ अंतर रहता ही है। अब देखिए जो बात हम समझाना चाह रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि अगले के पास वही बात पहुँची हो सकता है वो उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, वो कुछ गलत तरीके से उसने बात को ले लिया हो, कुछ गलत मतलब निकाल लिया हो। सभी अशाब्दिक संकेत जैसे बात कहने का लहजा, चेहरे की अभिव्यक्ति आदि अर्थ को वांछित स्तर से अच्छे ढंग से भी पहुंच सकते हैं और बुरे ढंग से भी। अब ये बात सही है दोस्तों, देखिए
हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, और उसके अंदर अगर हमारा चेहरा जो है थोड़ा गुस्से में है, ठीक है, तो अगला सोचेगा कि नहीं ये मेरे को बात बताना नहीं चाह रहा, ये इसकी तो मजबूरी है, यानी कि उसको एक गलत कम्युनिकेशन गया है। तो जो चेहरे के हाव भाव है, ये सारी चीज़ें ये व्यवधान डाल सकती है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। तो मेटा शब्द शब्द को हम एक मिनट मेटा शब्द को हम सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोग में भी एक उपसर्ग की तरह उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है अंतर्हीन परिभाषा या विवरण, यानी कि आंतरिक जो होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं, जिससे हमारा जो है कम्युनिकेशन प्रभावित होता हो। जैसे हमने ये बात की कि चेहरा है, चेहरे के हाव भाव है, उनसे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो गलत हो सकता है। और आगे दोस्तों, आगे हमारे पास पैरा लिंग्विस्टिक, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जब हम बोलते हैं तो बोलने में जो अगर आवाज़ को कम कर दे, ज़्यादा कर दे, तेज़ तेज़ बोलने लगे, तो उनसे भी हमारा ये पता चलता है कि जो व्यक्ति है वो किस स्वभाव का व्यक्ति है। अगर हम बहुत आराम से बात करें तो पता चलेगा कि जो व्यक्ति है वो बहुत ठंडे स्वभाव का है, और अगर जल्दी जल्दी बात करें तो उससे क्या होगा कि हमारा व्यक्तित्व अलग तरीके से नजर आएगा। यानी कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर स्वर का उतार चढ़ाव जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पैरालिंग्विस्टिक संचार कहते हैं कम्युनिकेशन। और आगे आता है दोस्तों ओक्यूलिसिस, ओक्यूलिसिस के अंदर क्या होता है दोस्तों, संचार में नेत्र पलकों का प्रयोग करना। अब देखिए, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो अपनी आँखों का भी उपयोग करते हैं, तो उसके द्वारा, आँखों के द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसे हम कहते हैं ओक्यूलिसिस कम्युनिकेशन कहते हैं। और आगे दोस्तों प्रोक्सिमिक्स, अब देखिए प्रोक्सिमिक्स का मतलब मैं बताता हूँ, स्थान का उपयोग, यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के निकट वाले कुर्सी पर बैठा हो तो इसका क्या अभिप्राय है। अब देखिए स्थान से अभिप्राय मैं बताता हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो उसके पास कौन बैठ सकता है, या तो उनका मित्र बैठ सकता है या फिर उन्हीं की पोजिशन का कोई इंसान हो। अब वही बात आ रही है जैसे कि इसमें बताया कि प्रधानमंत्री के पास कौन बैठ सकता है, या तो कोई बहुत बड़ा आदमी हो वो बैठ सकता है, या फिर उनके जान पहचान का आदमी बैठ सकता है। अब बिल्कुल जो नॉर्मल इंसान है वो उनके पास जाके नहीं बैठेगा, तो इससे हमें उन दोनों के संबंध के बारे में पता चलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोक्सिमिक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। आगे दोस्तों हैप्टिक्स, अब हैप्टिक्स होता है जो टच के द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम कहते हैं। अब इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि जैसे कि हमारा मित्र है उसको हम किस तरीके से बात करेंगे। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि एक टच होता है बैड टच और गुड टच होता है, जो आप लोगों को शायद पता होगा कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कई लोग उनको गलत नज़र से देखते, गलत तरीके से टच करते, तो उससे बच्चे को एकदम पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति मेरे को टच कर रहा है किस स्वभाव से ये टच कर रहा है, और हमें भी पता चल जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हैप्टिक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। और आगे दोस्तों ऑब्जेक्टिक, अब देखिए संचार में वस्तु आदि का प्रयोग करना, किसी वस्तु की ओर इंगित करना इत्यादि। अब देखिए हम संचार के अंदर किसी वस्तु की तरफ इशारा करके कहते हैं कि वो देख, वो चीज़, उस जैसी, यानी कि किसी वस्तु की तरफ इशारा करके कोई कम्युनिकेशन किया जाए तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। और आगे दोस्तों हमारे पास क्रोनमिक्स, क्रोनमिक्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, समय का प्रयोग, किस समय क्या बात कहनी है। अब देखिए क्रोनमिक्स के अंदर क्या होता है कि जब हम समय का यूज करें, यानी कि क्या होता है कि कोई बात किस समय पे कहनी है, ये कई लोगों के अंदर खासियत होती है, उनको पता होता है कि कौन सी बात कब कहनी है, कब नहीं कहनी, और वो बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि बेमतलब के, बेसमय के बात कहे जाते हैं, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम साबित हो सकती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रोनमिक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। और आगे दोस्तों ऑल्फैक्टिक कम्युनिकेशन, अब देखिए गंध के द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जाता है, जैसे सुगंध आ रही है तो उस जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। गंध, महक आदि का प्रयोग, यदि कोई इत्र यूज करके आ रहा है, यानी कि सेंट डाल के आ रहा है, तो हम कहेंगे ये तो बड़ा फैशन वाला आदमी है भाई। और किसी में से अगर गंदी बदबू आ रही है तो हम ये कहेंगे कि यार ये व्यक्ति तो बड़ा ख़राब है यार, ये तो ये नहाता भी नहीं है, ये तो बड़ा गंदा है, ठीक है। तो इस तरीके से गंध के द्वारा जो, या फिर महक के द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसे कहते हैं ऑल्फैक्टिक कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला आता है दोस्तों हमारे पास गुस्ट्रिक,
अब देखिए स्वाद, स्वाद के द्वारा, अब जैसे कि कोई हमारे लिए भोजन बना के लेके आए और वो स्वादिष्ट है, तो हम कहेंगे यार बहुत अच्छा खाना है यार, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इतना बढ़िया खाना बनाया है। यानी कि हमारी उसके बारे में एक राय बन गई, एक कम्युनिकेशन स्थापित हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों, ये जो 16 टाइप 14 टाइप के कम्युनिकेशन है, इनमें से एक क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और अगर आप ये PDF लेना चाहें तो दोस्तों आप ले सकते हैं, इसके लिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आगे देख सकते हैं दोस्तों अशाब्दिक संचार की विशेषताएँ। अब देखिए अशाब्दिक जो संचार होता है उसके अंदर भी काफ़ी तरह की विशेषताएँ होती है। अब देखिए इसमें से एक क्वेश्चन आया था कि जब कहीं पे लड़ाई हो रही हो या कुछ हो रहा हो तो उसके अंदर हम विश्वास योग्य किसे मानेंगे, तो उसके अंदर हम जिसके चेहरे के हाव भाव से हम पता कर सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। हम कहते हैं ना, कई बार हम अगले इंसान को देख के ही बता देते हैं भाई हम बता सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है गलत बोल रहा है, इसका तो चेहरा ही बता रहा है। तो उस दौरान क्या होता है कि अशाब्दिक संचार काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है। और इसमें और भी कई सारी बातें दी है दोस्तों, वो आप पढ़ सकते हैं। और आगे दोस्तों उद्देश्य और शैली के आधार पर संचार का वर्गीकरण। अब देखिए उद्देश्य के आधार पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है एक, और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि ऑफिस वगैरह में यूज़ किया जाता है और उसके अंदर नियम कानून होते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल। औपचारिक कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे टीचर और एक बच्चे के बीच में होता है और उनके अंदर क्या क्या होता है कि एक रूल रेगुलेशन और एक सभ्य तरीके से जो संचार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखिए जैसे कि एक छोटा कर्मचारी है, वो अपने बॉस से बात करेगा तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा, फालतू की कोई बात नहीं करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, और आगे हम देखते हैं दोस्तों कि इनके अंदर फॉर्मल कम्युनिकेशन के काफ़ी तरह के लाभ है, ये आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आगे दोस्तों हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता और कोई रिस्पेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर हमारी मर्जी होती है कि हमें किस तरह से कम्युनिकेशन करना है। अब देखिए जब जो दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो एक दूसरे को गाली भी निकाल सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं, कैसे भी बात कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, और इसके अंदर भी काफ़ी तरह की बातें हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे कि परिवार के बीच जो हम बात करते हैं वो इनफॉर्मल होती है, इनके अंदर कोई औपचारिक नियम वगैरह कुछ भी नहीं होता। और आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास दिशा के आधार पर, अब देखिए दिशा के आधार पर किस तरह से कम्युनिकेशन होता है हमारा, एक होता है वर्टिकल, ठीक है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल होता है ऊपर से लेके नीचे तक। अब देखिए ऊपर से लेके नीचे तक कैसे होता है, जैसे ऊपर बॉस बैठा है, उसे कोई नियम बनाना है और नियम बना के उसे पूरी कंपनी में लागू करना है, तो बॉस क्या करेगा, अपने नीचे से नीचे जो व्यक्ति है उसको बात बताएगा, नीचे वाला फिर अपने नीचे से बताएगा और उससे नीचे वाला फिर उससे नीचे बताएगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो संचार होता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। और यह मूल रूप से औपचारिक संचार में होता है, यानी कि जो हमारी संस्थाएं वगैरह होती है, ऑफिस वगैरह होते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके अंदर इस तरीके से होता है कि कोई नियम वगैरह होते हैं वो ऊपर से बनते हुए धीरे 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 नीचे आते हैं। ठीक है, यानी कि एक एक स्टेप करके चीज़ पहुंचाई जाती है, कम्युनिकेशन किया जाता है। और हॉरिजॉन्टल, अब देखिए हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या होता है कि इस तरीके से समांतर होता है। समांतर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जैसे कि दो चपड़ासी है या फिर दो एक सेम लेवल की पोस्ट पे काम करने वाले व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे। जैसे कि दो टीचर बात कर रहे हैं आपस में या दो क्लर्क बात कर रहे हैं, यानी कि अपनी पोजीशन के अनुसार दूसरे आदमी से बात करना वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, और आगे दोस्तों तिर्यक संचार। तिर्यक संचार के अंदर जैसे कि तिर्यक यानी कि तिरछा संचार, तिरछा संचार के अंदर क्या होता है दोस्तों कि एक हो सकता है बॉस डायरेक्टली जो निम्न स्तर का यानी कि जो एम्प्लॉय है उससे बात कर रहा है डायरेक्टली, तो उसे हम क्या कहेंगे, तिर्यक संचार कहेंगे। ठीक है, और अगर एक क्लर्क क्लर्क से बात कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कहेंगे। और एक ऊपर से नीचे जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, वर्टिकल कम्युनिकेशन कहेंगे।
तो दोस्तों ये हमारे मुख्य रूप से कम्युनिकेशन के टाइप हैं। अब इसके अंदर एक और हमारा इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बच गया दोस्तों, वो इस नोट में मैं लिखना भूल गया लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है हमारा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है। अब देखिए ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा अंगूर का गुच्छा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक अंगूर यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो अलग अलग तरह से इस तरीके से गुच्छा होता है, उसके अंदर अंगूर होता है। तो इसी तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई बात है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, देखिए कोई बात है, इस इंसान ने इस इंसान को वो बात बताई, इस इंसान ने फिर इस इंसान को बता दी, और इसी इंसान ने फिर इसको बता दी, इसने फिर आगे बता दी, इसने फिर ऐसे बता दी, ऐसे बता दी, यानी कि एक गुच्छे के रूप में कम्युनिकेशन होता होना, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसे ये जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, इसके अंदर कोई कोई नियम कानून कायदे नहीं होते, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि बिखरा हुआ जो कम्युनिकेशन है, कभी किसी के पास बात चलेगी, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास चलेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है वो किस तरह का कम्युनिकेशन है, इसके अंदर क्या होता है कि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसके अंदर कोई नियम कायदे कानून लागू नहीं होते। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। और दोस्तों अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की बात समझ में नहीं आई है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।